Okay, hi everyone. So, today let's uh, discuss this interesting problem. So, it says two small bodies of uh, masses 10 kg and 20 kg are kept at a uh, distance 1 meter apart and uh, released. Assuming that only mutual gravitational forces are acting, find the speeds of the particles when the separation decreases to 0.5 meter. Okay. So, this is our two particles, uh, let's say of mass uh, 10 kg and uh, 20 kg. And initial separation between the two particles is 1 meter. Now, because of the gravitational force of attraction between the two particles, ye particles ek ko pull, karenge, let's say by Fg. Fg is the gravitational force of attraction between the two particles. So, these particles ek taraf move, karenge, and when the separation between the two particles will be 0.5 meter, us time, pe we have to find out the speeds of the two particles, let's say V1 and V2. सो so, हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं दो वेरिएबल्स हैं वी वन एंड वी टू सो हमें कितनी इक्वेशंस फॉर्म करनी है टू इक्वेशंस राइट सो एक काम करते हैं पहले हम अपना सिस्टम डिफाइन करते हैं आई एम टेकिंग दिस टू पार्टिकल्स एज माई सिस्टम टू पार्टिकल सिस्टम है सो इज देर एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम ये जो म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पे लगाएगा दैट विल बी एन इंटरनल फोर्स फॉर द सिस्टम राइट बाहर से कोई एजेंट फोर्स नहीं लगा रहा है इस सिस्टम पे,

10 किलोग्राम पार्टिकल का फॉरवर्ड डायरेक्शन में दैट इज़ 10 टाइम्स ऑफ वी वन उतना ही 20 किलोग्राम पार्टिकल का होगा इन द बैकवर्ड डायरेक्शन बिकॉज फाइनल एंगुलर फाइनल लीनियर मोमेंटम शुड भी इक्वल टू जीरो राइट सो टेन टाइम्स ऑफ वी वन दैट शुड भी इक्वल टू ट्वेंटी टाइम्स ऑफ वी टू सो यहाँ से चेक करो वी वन इज़ ट्वाइस ऑफ वी टू सो एक इक्वेशन तो ये आ गया सेकेंड इक्वेशन कहाँ से आएगा फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इस सिस्टम पे ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेज का वर्क हो रहा है आप देखो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स सो वेन ऑनली कंजर्वेटिव फोर्सेज का वर्क होता है वी कैन कंजर्व द मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में आपको पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का सम कंसिडर करना है सो इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल पी प्लस के फाइनल Now initial potential energy that is minus of capital G M1 M2. That is 10 into 20 divided by uh, the separation between the two particles, that is 1. Like uh, two particle system ka potential energy that is minus of capital G M1 M2 divided by R, right? Plus initial kinetic energy 0. Dono particles rest is a start ki that is equal to uh, that is equal to final potential energy that is minus of capital G M1. एम टू डिवाइडेड बाय सेपरेशन इस बार कितना हो जाएगा जीरो पॉइंट फाइव प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ ऑफ टेन इज मूविंग विथ वी वन राइट एंड ट्वेंटी किलोग्राम पार्टिकल इज़ मूविंग विथ वी टू सो इस इक्वेशन को थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं आप देखो ये वाला जो टर्म है ये वाला जो टर्म है इसे इस तरफ ले जाते हैं सो so, ये हाफ मीन्स टू राइट सो so, इस तरह से ये माइनस है तो ये यहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा सो so, ये देखो जी एंड टेन एंड ट्वेंटी राइट और ये टू है और ये माइनस वन दैट इज़ वन राइट दैट इज़ इक्वल टू हाफ एंड टेन बाहर आ जा बाहर आ जाएगा सो इट विल बी वी वन स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ वी टू स्क्वायर सो ये कितना हो गया ये फाइव हो गया एंड uh, ये टू सो so ये फोटी जी

40 g by six. G ka value that is six point six seven into ten raised to the power minus eleven. Now you can put this value and calculate the numerical answers for uh, v1 and v2, right? So I think you have understood. Let me know if you still have any confusion. We can discuss further. Okay, guys, keep working out. Best of luck. Bye. <laughs>